Razia Bostrom here, and look at him who is here with me today, Mir Sarwar Sahab. Aap sab unhe jante hain from Bajrangi Bhaijaan. और लेटेस्ट आई थिंक अभी आपकी लक्ष्मी बॉम्ब है. लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली है. आने वाली है जी, करेक्ट. तो आप सब बहुत ही मतलब फेमिलियर फेस है, एवरीबॉडी नोज हिम. तो एंड ही इज कम फ्रॉम कश्मीर. तो हम बात करेंगे कश्मीर से, ब्यूटी ऑफ इंडिया. सरवर साहब, आप ये बताइए, जब आप बड़े हो रहे थे कश्मीर में, ठीक है, और जी, आज जो एक 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 गैप है बहुत बड़ा, 30 साल, 40 साल का, 35 साल का, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं सोशल लाइफ में? नहीं, सोशल लाइफ में देयर इज नॉट मच व्हिच हैज चेंज्ड, नथिंग, नॉट मच. ज्यादा पॉलिटिकली भी चेंज नहीं हुआ है, ज्यादा सोशली भी चेंज नहीं हुआ है. अच्छा. बट थोड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें थोड़ी बदल गई हैं. और टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तब लैंडलाइन का जमाना था, और जब हम ट्रैवल करने जाते थे तो टेलीग्राम भेजा कर, टेलीग्राम तो खैर लैंडलाइन वी यूज्ड टू सेंड द टेलीग्राम ही शायद था वो, बिकॉज मोबाइल इंटरनेट ये सब चीजें थी नहीं. टेक्नोलॉजिकली थिंग्स हैव चेंज्ड बट नथिंग मच हैज चेंज्ड कल्चरली. और हाँ, सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ना है वही फर्क पड़ा है, और उसके अलावा रेस्ट most of the things has as same as that. और कश्मीर की एक चीज ऐसी है कि जो सोसाइटी है दे आर स्टिल द सेम वेलकमिंग, वैसे ही मेहमान नवाज हैं, वैसे ही जुबिलेंट हैं, और बाकी सब चीजें तो रहती है. पर कहते हैं कि शायद जो जो ब्यूटी थी वो, और जो पहले जितने शूटिंग्स होती थी, जितने लोग आते थे, जितने हमारे जो सैलानी थे वो आते थे, अभी उस पे फर्क आया है. तो ब्यूटी में क्या फर्क आ सकता है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ. ब्यूटी में जो तरक्की होती है हर जमाने में, हर शहर में, जो हम if we talk about any city, any part of the world, हर बंदा ये बोलेगा 10 साल पहले ये ऐसा था और 20 साल पहले ये वैसा था, यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, अब यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स हो गई हैं, थिंग्स हैव ग्रोन, मॉडर्नाइज हो गया है, द कंक्रीट जंगल हैज ग्रोन. नो मैटर व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर इन, नॉट ओनली इन कश्मीर, जिस भी शहर में जाएंगे, जिस भी सिटी में जाएंगे दुनिया की, चाहे वो कितनी भी मॉडर्न कंट्री हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो बोलेगा 20 साल पहले यहाँ पे अलग था, यहाँ पे पहाड़ थे, यहाँ पे पेड़ थे, अब जंगल है, अब मॉल बन गया है, बिल्डिंग्स बन गया है. सेम थिंग हैज हैपेंड विद कश्मीर आल्सो व्हिच इज देयर. और द बेस्ट पार्ट एंड अदर पार्ट इज लाइक यू नो, जो सैलानियों की आपने बात की, टूरिस्ट की आपने बात की, इट्स ऑलवेज वन वे ऑर कनेक्टेड टू द न्यूज और सियासत. एंड व्हेनेवर यू वांट, आई हैव सीन लॉट ऑफ कर्फ्यूज एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ टेंशन के माहौल में भी, आई हैव सीन लॉट ऑफ टूरिस्ट्स. Because the person who has already seen Kashmir will repeat coming to Kashmir, will always come back to Kashmir. और वो अगली बार 10 बंदों को और लेके आएगा, 2 बंदों को और लेके आएगा, groups में लेकर आएगा. But the person who has never visited will always pay heed to these rumors and will always pay heed to these news. और कई बार these news is उसको propagate किया जाता है. कई बार क्या होता है, कोई चीज को हवा दी जाती है, और as a person is always look, you know, इंसान चाहता है कि यार नहीं यार टेंशन क्यों ले, क्यों खामखा पंगे ले. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज गोइंग टू मणिपुर फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉर्थ ईस्ट कंट्री स्टेट, तो सबने मुझे कहा कि ये करना वो करना, वहां पे खतरनाक लोग होते हैं, वो होते हैं, कुत्ता खाते हैं, सांप खाते हैं. सो आई वाज अफ्रेड, डर गया था मैं. लेकिन व्हेन आई रीच देयर आई फाउंड द वेरी वंडरफुल पीपल, डाउन टू सो सिंपल पीपल, सो लविंग. सेम इज द केस विद कश्मीर एंड सेम इज द केस विद ऑल अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. जो हवा बनती है वो चीज हवा बनती है पहले, उस चीज के बारे में आई वुड ऑलवेज टेल, आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर आप कोई राय देते हो किसी शहर के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी कौम के बारे में, क्या आप उस शहर में पहले गए हो क्या? हैव यू एवर विजिटेड दैट पर्टिकुलर प्लेस? ओके, चलो जगह में नहीं गए हो, हैव यू रेड समथिंग अबाउट दैट प्लेस फ्रॉम सम गुड सोर्सेज? Leave aside some newspapers or channels, वो छोड़ो, these are
पॉलिटिकली कनेक्टेड, क्या आपके कोई दोस्त हैं उस शहर के, क्या आपके रिलेटिव्स हैं वहां के? आपने एबीसी से सुन लिया और आपने एक राय कायम कर दी, विच इज नॉट फेयर, और ये मेरा खुद का मानना है, और हमें ये किसी भी चीज और किसी भी जगह और किसी भी इंसान के लिए लागू होती है, तो ये मेरा मानना है. वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं नहीं, आई एग्री विद यू. सो एज यू नो, हमारा जो ये चैट है, ये जो इंटरव्यूज है मेरे, मैं बहुत ही क्वेश्चंस उठाती हूँ कहीं से भी, मतलब वो सेमेट्री नहीं होती उनमें, कुछ नहीं है, ताकि थोड़ा सा हमारी जहनी वर्जिश हो सके. तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस व्हिच मेड यू सम टाइम, यार क्या मैं करता रहता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर ये है कि भरोसा लोगों पर ज्यादा करता हूँ. दैट इज आई थिंक दैट्स अ वीकनेस. दैट इज अ समथिंग, समटाइम एट टाइम्स इट्स गुड, इट्स फाइन, इट्स नाइस, इट्स गुड टू बी, यू नो, आप जिस भी चीज को, जिस भी इंसान से मिलो और भरोसा करते हो, एक इंसान की एक ट्रेट होती है. कुछ लोग भरोसा नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, एंड माई केस इज मैं भरोसा करता हूँ, बट ऊपर वाले के फजल से कुछ टाइम के बाद ही समझ में आ जाता है कि कौन भरोसे के लायक है, कौन भरोसे के लायक नहीं है. और चीजें समझ में बहुत चीजें तजुर्बे से आती हैं, ये एक दिन में नहीं आता. कई बार बहुत सारे रिलेशंस बिगड़ते, कई बार खुद को हर्ट करते, कई बार काफी चीजें जो नुकसानदेह होती हैं इंसान की सेहत के लिए, इमोशंस के लिए, करियर के लिए, वो जब कई बार इंसान गिरता है तो गिरने से इंसान सीखता है. तो वो चीज अभी थोड़ा सा बदलाव आया है कि आई थिंक ट्वाइस अबाउट ट्रस्टिंग एनीबॉडी एज सच. और अपना अभी ये मानना है कि सिंपल एज दैट, अपना एक रूल बना है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, सिंपल एज दैट. उससे कई सारी चीजें आसान हो जाती हैं. फाइन. सो अभी आपसे हम जब कश्मीर की बात कर रहे थे तो आपने इस सवाल का जवाब भी दे दिया था, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डू यू जज अ बुक बाय इट्स कवर? नो, यू शुड नॉट. जब तक, जब मैंने यही कह रहा कि हर पहलू पे आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया इसका, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल सही है कि आपके हर हर पहलू होता है. इट्स नॉट अ लाइफ, इज नॉट अ कॉइन. कोई सोसाइटी, कोई जगह, कोई टॉपिक हेड एंड टेल नहीं है. देयर इज ऑलवेज थर्ड न्यूट्रल एस्पेक्ट आल्सो, जो मैं कह रहा हूँ कि या तो हेड है या तो टेल नहीं, इसके अलावा भी कई सारे पहलू होते हैं. और यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. आज की तारीख में इफ यू आर सिटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ योर, सेट ऑफ योर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी विल हैव अ मोबाइल इन देयर हैंड्स एंड एवरीबॉडी विल बी बिजी विद देयर पीपल लाइक यू नो हु आर द वर्चुअल फ्रेंड्स. And at the same time, maybe we are talking about the same thing which is happening in the mobile. I like this. विदाउट इंटायर यार इससे इसके साथ काम करना, ये काम दिलाएगा मुझे बाद में, ये मुझे अपनी फिल्म में शूट करेगा. हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनको मैं कभी भी मैसेज करूँ, उसके फोन कर लूँ, ना कि मैं ये मैसेज करूँ कि इज इट अ गुड टाइम टू कॉल, वैसे वाले नहीं. देयर आर, देयर शुड बी सम पीपल लाइक जिनको आप जब चाहो फोन उठा के फोन कर लो. कितने हैं आप 15,000 5,000 में, या फोन बुक में 1,000 कॉन्टेक्ट है, तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपका फोन उठाते ही उठाएंगे, रिप्लाई करेंगे, या जब भी कॉल करोगे आप उनका फोन आंसर करोगे. तो कई बार होता है कि यार मुझे मूड में बात नहीं करने का, क्योंकि हर इंसान ज़हनी तनाव में होता है हर बार. सो आजकल वही चीज यही है कि हाँ, बहुत कम होते हैं वैसे, बहुत कम होते, लेकिन होने चाहिए, होने चाहिए. तो फैमिली यार जी. सो आगे बढ़ने से पहले, ये सेम चीज जो है अभी अभी सुशांत के साथ हुई है, व्हाट वुड बी योर टेक ऑन इट? क्योंकि लोग रूमर्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो भी अकेला था, कोई बात करने वाला नहीं था, उसको लॉबिंग हुई और क्या 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 कहानियां आ रही हैं. तो देखिए, आज के डेट में जो लॉस होना था वो इंडस्ट्री के लिए लॉस हुआ, वो सबसे बड़ा लॉस उनकी फैमिली के साथ हुआ, और मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के सुन के, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द रेयर एक्टर्स, और जो इंटेलिजेंट एक्टर, थिंकिंग एक्टर, जो
एक्टिंग को भी पढ़ाई के तरीके से लेता, और रेफरेंसेस ऐसी होती कि अच्छी अच्छी किताबें, फिल्मों का तो रेफरेंसेस कोई भी देता है, बट देयर आर टेक्निक्स व्हिच अ पर्सन कैन टॉक अबाउट. और वहां पे मैंने बात की कि और मैंने बहुत चीज सीखे उनसे. बहुत सारी किताबों का जिक्र किया था उन्होंने जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं था. और शेरो शायरी में आज तक मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, काफी लोगों से मिला हूँ, लेकिन किसी भी एक्टर को, मेन स्ट्रीम स्टार को मैंने शेरो शायरी में उतना गहरा, इतना डीप नहीं देखा. Really? जो उसने उम्र में भी, वो वॉज जस्ट 34 ईयर्स. और yeah. अभी मैं तीन साल पहले की बात कर रहा हूँ, 17 में हमने शूट किया था. और 17-18 में हमने शूट किया, जब हमारी मुलाकात हुई तब वो 32-33 साल का था, 31-32 साल का था. और उस टाइम पे, उस उम्र में, उस स्टेज पे शेर व शायरी को उतना डीप समझना, फैज अहमद फैज के बहुत बड़े फैन थे. और काफी चीजों, जैसे कि अंताक्षरी करते हैं लोग, हमारा कट के बाद हम लोग शेर व शायरी करते थे. मैं, सुशांत, अलका अमीन जी हमारी आर्टिस्ट हैं, वो बहुत उम्दा शेर व शायरी करती थी. और कई बार सारा भी बैठती थी साथ में, लेकिन वो शेर व शायरी तो करती नहीं थी, खैर, बट वो शी वाज ऑडियंस उस मामले में. लेकिन सुशांत वहां पे कई बार क्या होता था कि हम नई शायरी भी करते थे, क्रिएट करते थे, वहीं पे खड़े खड़े बनाते थे. और ही वाज वेरी गुड एट दैट आल्सो. और वो हमारा एक दोस्त था उसमें, और वो बहुत बकवास शायरी करता था, फनी शायरी करता था, और कॉमिक मजा वाली, तो उसपे लाफ्टर सबका आता था. और वो हर बार सुशांत उसको बुलाता, यार तू अपना शेर बोल, क्योंकि हमारी जो सीरियस वाली शायरी होती थी उसके बाद उसका भी आता, बीच में लाफ्टर आ जाता, उसके बाद शूटिंग शुरू. तो सबसे पहला तो यही है कि दैट वाज अ लॉस फॉर हिज फैमिली. उसके बाद इंडस्ट्री के लिए से बहुत बड़ा झटका लग गया, बहुत बड़ा. और क्या वजहात रही है उस चीज की, वो कोई नहीं जान सकता, अंटिल जो एक्सेप्ट फॉर द पीपल लाइक हु आर वेरी क्लोज टू हिम. बीमार रहे हैं वो, उसके बारे में आज खबरें आ रही हैं. तो वो रिश्ते, कुछ दोस्त भी रहे हैं, उनके घर पे भी थे, उस वक्त तनहा तो नहीं था. बट आज की तारीख में जरा मैंने, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल वो उसकी मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्यार के लिए कर रहे हैं. वो तो सामने, क्योंकि आपने भी बताया और भी एक दो लोगों से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ही वाज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा एक्टिंग का उसको इतना शौक था, इतना करता था, बहुत मेहनत करता था. और एक वीडियो में देख रही थी जिसमें वो अपनी लाइब्रेरी में जो उसका बुक कलेक्शन है वो दिखा रहे हैं, एंड ही सेड के जो बुक्स मैं खरीदना चाहता था वो आज मैं खरीद सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ इजीली, एंड दीज बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. तो इतना पढ़ने वाला, इतना सब कुछ, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से वो अपनी जान ले ले, ये बात अभी हजम नहीं हो रही है. नहीं, मैं तो यही, मेरा टेक यही है कि इतना अकलमंद सेंसिबल इंसान किसी लॉबी के चक्कर में ऐसा इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगा. एग्जैक्ट. जो इतनी लॉबी वॉबी जो है वो हर इंसान के लिए होती है, वो हर दौर में हर इंसान ने झेला है, चीजें होती हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसका एक मकाम आगे पहुंच चुका था, स्टेज था कि, एंड ही हैड कुछ फिल्में थी भी, बहुत सारे लोग तमन्ना करते थे उसके साथ काम करने के लिए. बट हाँ, उस चीज से इफेक्ट पड़ा, सेहत पे असर पड़ा. और जब सेहत पे असर पड़ा, व्हेन यू आर नॉट योरसेल्फ 100%, और डिप्रेशन और जहनी तनाव तो मैं मानता ही हूँ, तो वहां पर जाके आप इंसान एक वैसा स्ट्रेप, एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है. लेकिन बाकी चीजों, हाँ बाकी चीजों ने उनको अफेक्ट किया होगा, लेकिन देर आर नॉट, अभी जो लोग अभी बात कर रहे हैं वो उनको जाती तौर पे जानते भी नहीं होंगे. ऑफ कोर्स नहीं. अब ये है कि बहुत सारे ऐसे कम लोग होंगे जो दिल से चाहते होंगे कि उसके लिए कुछ करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको एज ए पब्लिसिटी स्टंट ले रहे हैं, अपने लिए पीआर स्टंट ले रहे हैं, और दे आर जस्ट प्रमोटिंग देमसेल्व्स और नाम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेट है वो. बट लेट्स, हम तो ये चाहते हैं कि लेट हिम बी एट पीस, इस चीज से सबक सीखे ताकि ये चीजें रिपीट ना हो. Absolutely. अगर इसके लिए कोई सर्कमस्टेंसेस, जाने अनजाने में किसी से हुआ है कि सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए हैं, कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं, वो भी इससे सबक सीखें, और जो भी लोग इस चीज दौर से गुजर रहे हैं वो भी सबक सीखें. और लोग है वो बिल्कुल जैसे नजला, खांसी, जुकाम या कैंसर या इस तरह की बीमारियां, अच्छी बुरी जो भी है, छोटी बड़ी,
डिप्रेशन भी एक बीमारी है. इफ यू फील समथिंग लाइक दैट गो एंड आस्क योर डॉक्टर. इलाज सबसे हर चीज का, हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज का इलाज होता है. सबसे स्ट्रांग मैं मानता हूँ हर चीज के लिए कि यू शुड बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड. आप जिस भी मजहब से रिलेटेड, बिल्कुल आप जिस भी मजहब का ताल्लुक रखते हो, आप रूट्स को ना छोड़ें. आप खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, जो भी मानते हो, उससे कनेक्टेड रहो. बिकॉज देर आर मेनी आंसर्स जो आपके दोस्त, जो आपके डॉक्टर्स, जो कोई इंसान नहीं दे सकता, जो आपको मिलेंगे अपने अंदर उसके थ्रू. उसके थ्रू सही है. और सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट और ग्रेटिट्यूड. बिकॉज क्या होता है कि हमारा ये रहता है कि हम कई बार खुद को कंपेयर करने लगते हैं. कई बार हम कंपेयर नहीं करना चाहते लेकिन सोसाइटी करवाती है. माँ बाप ही कहते हैं कि देखो उसने किया और तुम रह गए, वो पहुंच गया, तुम्हारी उम्र का है, उसने ये भी कर लिया, तुम रह गए, उसकी तरफ देखो. तो कंपैरिजन हमारे घर पे ही शुरू होता है पहले. मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डोंट कंपेयर एनी इंडिविजुअल विद अदर पर्सन. बिकॉज हर इंसान अलहिदा है, हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की सलाहियत अलग होती है. खासतौर पे पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कंपेयर मत करना शुरू करो. वो सबके, उनकी हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है, उनकी कॉन्फिडेंस मारता है. अगर उसकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गई तो वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा. कई सारे साल लग जाएंगे उसको उस चीज से बाहर आने में. उसको लग समझ में, यार मैं तो सही था, जरूरी नहीं कि वो अपार भी आ जाए. करेक्ट. उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके ही जिंदगी के कई साल खराब कर सकता है, जब तक कि वो समझ ना जाए. और कई बार जब वो स्टेज आ जाता है, यार भाड़ में जाए ऐसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक 30 साल गुजर चुके होते हैं. Exactly. ये हैपनिंग एवरीडे इन आवर लाइफ. हम देख रहे हैं ये कि एक दूसरे को कंपेयर करने में जिंदगियां खराब गुजरी भी जा रही हैं और खराब भी हो रही हैं. Anyway, let's move on. So, if you could shop for free at one store, which one would you choose? No, if I would like for free, to khair koi aisa to koi, there is nothing for free. कोई देगा भी नहीं. Exactly. But ठीक है, अभी अपना तो यही है कि if I मेरे केस में तो ये रहेगा कि like इधर बुक शॉप जहाँ पर मैं नाटकों की किताबें और फिल्मों की स्क्रिप्ट्स और जितनी अच्छी किताबें हों वो उठा पाऊँ, पढ़ पाऊँ. हाँ. जिसकी मैं कोशिश करता भी रहता हूँ हमेशा. या एनी प्लेस विच हैज, मैं क्योंकि मैं कैमरे का बड़ा शौकीन हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग से लेंसेज हों, बड़े इंटरेस्टिंग से कैमरों की चीजें हों, जो बड़ी बड़ी नुआंसेज होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं कैमराज, तो या तो वो या तो किताबों की स्क्रिप्ट वगैरह, बुक्स. Wonderful, wonderful. So, if a genie granted you 3 wishes right now, what would you wish for? Corona khatam kar do, bhai. Please khatam kar do. 2020 bhi erase kar do. Yaar, isne bahut pareshan kiya hua hai. Bahut hi kharab. Exactly. कोरोना खराब खत्म कर दो भाई. जो टेंशनें चल रही हैं दुनिया में, जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की वजह से नफरतें फैली हुई है, उस नफरत को दूर कर दो. और सरहदों का चक्कर खत्म कर दो बस. और थर्ड किसका? सरहदें खत्म कर दो दुनिया को, इंसान को. सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? डिपेंड्स व्हिच, व्हाट, कोरोना में हो कि कोरोना के बाहर हो? कोरोना के बाहर. कोरोना में भी आ रहा है जवाब. सवाल वही तो है, मतलब कोरोना के अलावा जो भी रहे. कोरोना में तो सब घर में बैठे हैं. तो वही है कि I always do love doing something with my camera. Okay. Because ये मेरा पहला शौक रहा है, it's my first love. और इसके साथ मैं जितना भी create कर सकता हूँ, चाहे मैं खुद उसमें act करूँ, चाहे मैं direct करूँ, चाहे produce करूँ, I am a filmmaker and I will make content जिससे कोई तो सबक मिले, तबलीग हो, किसी को कोई information मिले. मेरा आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि हम चाहे कितने भी महफिलों मजलिसों में बैठे हैं, वहां पर हम उतना तो अच्छा तबलीग नहीं कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जितना हम मीडिया के थ्रू कर सकते हैं. अगर हम पावरफुल, अगर हम अच्छी चीज, अच्छी 5 मिनट की भी शॉर्ट फिल्म बना लें तो वी कैन, इट्स नॉट लाइक वी आर गिविंग आंसर्स, वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस व्हिच आर नीडेड. सवाल जवाब अब खुद ढूंढो, लेकिन हमें we should have capacity to ask the right questions to people around. Aur jawab dundo
हम खुदा नहीं है कि जवाब देंगे, तो अपना भी यही रहेगा कि टू मेक एज मेनी फिल्म्स एंड टू मेक एज मेनी मच एज गुड कंटेंट व्हिच इज पॉसिबल, तो वो अपनी तो कोशिश वही रहेगी। दैट्स व्हाट इट इज। परफेक्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू फील मोस्ट कंफर्टेबल विद? कंफर्ट जोन से तो हमको आपको हमेशा निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट में फंस गए तो फिर दिक्कत होती है। हाँ। चाहे वो जिंदगी हो चाहे वो रोल हो। मुझे हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं बिल्कुल बेबी के बाद, मेरे बेटे के बाद मैं बिल्कुल 100% कंफर्ट जोन में चली गई थी। अभी वहां से बाहर आते आते मेरी हालत खराब है। वही, क्योंकि मेरा जब कश्मीर, जब मैं घर पे था या दिल्ली में था, एक माहौल में था, तो वहां से रिस्क लिया, वहां से घर से निकला, पहले दिल्ली गया, दिल्ली से फिर करियर चला गया कश्मीर की तरफ, वहां पर भी अच्छा खासा काम कर रहा था, एक टेंशन नहीं थी कोई, तो रिस्क लिया, बम्बई आया, फिर से जीरो से शुरू किया, पापड़ बेले यहाँ पे, वन टाइम मील खाया, चौल में रहा, तो कंफर्ट में तो कभी रहो मत। चाहे वो, मेरा ये मानना है कि यू शुड ऑलवेज टेक रिस्क, चैलेंज योर सेल्फ। और रोल्स की जहां तक बात है कि तो इंसान एक पैटर्न बन जाता है, और उस पैटर्न से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज स्टीरियो हो जाता है, स्टीरियोटाइप हो जाता है। और कई सारे रोल्स मैंने ऐसे किए हैं जिसमें काफी सारे लोग कहते हैं ये सिमिलर है, नेगेटिव कैरेक्टर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर टाइप के रोल्स। और इट्स नॉट लाइक आई एम, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई कैन डू डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव डन। लक्ष्मी बॉम्बे अलग है, शेरशाह में अलग है, बजरंगी में अलग था, लैला मजनू में अलग था। So, हर चीज में हर एक बदलाव होता है, और मुझे ज्यादा मजा नेगेटिव करने में आता है, क्योंकि उसमें मुझे वो भड़ास कर निकालने का मौका मिलता है जो मेरी लाइफ में नहीं है। I remember that, yeah, फंटून वाला सीन था शायद, मतलब जिस भी जो भी कुछ, बहुत सारे फिल्मों में मैं नेगेटिव करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें वो भड़ास जो निकलता है, गुस्सा, एरोगेंस, क्योंकि जो आप जिंदगी में नहीं कर पाते हो वो उसमें आप करने का मौका मिलता है, तो बड़ा मजा आता है, वो मजा आता है। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, सो अगर इन एनी, मतलब फ्रॉम बॉलीवुड, जितनी भी इंडियन सिनेमा में जो भी फिल्में आपने अभी तक देखी है अपनी और दूसरों की, कोई ऐसा रोल जो आप रिलाइव करना चाहें उस उनमें से किसी का भी? वो तो फिर सबसे पहले तो गॉडफादर ही आएगा जवान में, मार्लन ब्रांडो। अच्छा, पहले तो वही आएगा। और क्या, कौन सा वाला रोल करना चाहेंगे? कॉर्लियोन, डॉन कॉर्लियोन। कॉर्लियोन, ओके। खुद से, उससे पहले तो खुद, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए। Exactly. वो तो बाप है। या अगर उम्र उतनी नहीं है तो फिर कौन सा करना चाहोगे? तो स्ट्रीट कार नेम डिजायर, तो उसमें जो बंदा है हर काम पसंद है। गॉडफादर तो हर, हम बॉलीवुड की बात करें तो हर बॉलीवुड में भी दिलीप साहब का मतलब किरदार जो है वो निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका एक अपना एक स्टाइल रहा है। तो वहां पर मार्लन ब्रांडो साहब है, यहाँ पर ये है। अल पचिनो का तो खैर, ऑफ कोर्स देयर इज वन मोर, टोनी मोंटाना, स्कारफेस। तो वो एक ऐसा है, तो उनके, या फिर लेकिन ब्लाइंड मैन ऑफ दैट लाइक सेंट ऑफ अ वुमन, तो क्योंकि अल पचिनो का भी फैन रहा हूँ, तो उनके भी किरदार उनको बड़े गौर से देखा है, और कोशिश यही रही है कि जितना भी सीख सकें सीखें, वहाँ उनसे भी हर सभी गुरु हैं, सभी टीचर्स हैं, हर फिल्म देखने के बाद कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हो। ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर अभी के कंटेम्प्रेरी एक्टर्स में से मनोज वाजपेयी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आई लाइक हिज वर्क। खान साहब तो गुजर गए, उनका काम बड़ा अच्छा लगता था, इरफान खान साहब का बड़ा अफसोस हुआ उनका, वो भी सुन के, लेकिन काम नहीं कर पाया उनके साथ, लेकिन उनका काम देखना और बड़ा पसंद था। तो वही दिरा दिसा सम फ्यू रोल्स व्हिच अ पर्सन वुड डेफिनेटली लव टू डू, और देखिए जिंदगी ने मौका दिया तो जरूर करेंगे, जरूर होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा रोल किया था, फिल्म हमारे पास आई थी, हमारी बेस्ट फिल्म ऑफ का अवार्ड भी दिया था हम लोगों ने IIFB में, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, लिहाफ। टेल मी अबाउट दैट स्टोरी एंड द बैकग्राउंड, कैसे आप उसमें इन्वॉल्व हुए, और इट्स नॉट अ निगेटिव रोल,
बट समहाउ इट टचेस द नेगेटिविटी, क्योंकि वो अपनी बेगम से बड़े दूर रहते हैं और लड़कों में और बच्चों में और उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो पूरी वो जो आप कर रहे थे कैसा लग रहा था, क्या फील हो रहा था? नहीं, ये तो सबको पता ही है कि वो कहानी इसमत चुगताई की बहुत ही मशहूर कहानी लिहाफ की है, और वो बहुत ही पहली ऐसी राइटर हैं इंक्लूडिंग मंटो, सादत हसन मंटो, जिनके ऊपर केस भी हुए थे उस जमाने में। और मंटो और इस्मत आपा के दोनों ने काफी सारे सफर साथ में किए हैं और कई सारा जर्नीज भी किए हैं और कोर्ट कचहरी की पेशियां भी साथ में दी हैं। और इनका इनका लिहाफ के केस चल रहा था, उनका ठंडा गोश्त पे चल रहा था ये भी, क्योंकि वो तो हर करते करते ही रहते थे उनके बारे में। और जब मुझे, क्योंकि रात भाई के साथ मैं इससे पहले काम कर चुका था, हमने नवाब साहब का यही था कि वो चीज करते हुए भी जब आप कोई कैरेक्टर निभाते हो तो उसमें अगर देखा जाए तो ऑडियंस के हिसाब से, इफ ऑडियंस इज वॉचिंग ए फिल्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेगम तो फिर नवाब नेगेटिव दिख सकता है, लेकिन अगर ऑडियंस एक बैलेंस तरीके से देख सकती है, अगर बेगम के कुछ इस तरह का इंटरेस्ट जग जाता है एंड शी गेट्स इन्वॉल्व, यू नो, gets involved with her maid, same is the case with Nawab. Uska bhi wo hai ki like koi insaan agar dekha jaye to there are certain things which you do just for the sake of doing it. Shocker. There are things which you feel you are tempted to do it because of your biological conditions. तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो वहां पर हमने इस चीज को तो कहीं पे भी क्लियर नहीं है कि कहीं भी क्लियर नहीं है। हालांकि लोगों ने काफी इस बात पे, जब हम लोग फिल्म के देखने के बाद हमारा पैनल चल रहा था तो सबने कहा कि नहीं है नहीं, हमने कहा यार आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, फिल्म देख के आप जज मत करो इसको पूरा, क्योंकि इसमें जो नवाब साहब का किरदार है वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, लेकिन बेगम सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली दिखाया गया है वहां पे व्हेन ही इज लुकिंग एट दीस किड्स, वो उनके बारे में बात करता रहता है। और जब छोटी बेगम जो छोटी इस्मत गुजरती है तो वो उसका एक लड़की के साथ दिखाना होता है कि he is standing in a corner with a young boy, और उस पे कैमरा टिकता नहीं है, कैमरा moves with the girl, but this is for such audience who can understand. सबसे पहले तो ये है कि पहले किसी कहानी के बारे में अगर आप फिल्म देख रहे हो तो उस कहानी का थोड़ा सा आइडिया तो लो, एटलीस्ट इफ नॉट द फुल बुक बट एटलीस्ट कुछ तो पढ़ो उसके बारे में, और उसकी एक अलग ऑडियंस है, उसको समझने के लिए भी यू नीड अ नीश ऑडियंस। लेकिन एक चीज हमारी यहाँ हुई कि फिल्म देखने के बाद एवरीबॉडी वर आस्किंग कि भाई हमें बताओ ये कौन है, राइटर कौन है इस कहानी की, अगर ये कहानी पर बनी है सब, एंड पीपल स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिम अबाउट हर, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज हुई हमारे बारे में, क्योंकि उसके बाद काफी लोगों ने पढ़े और सवाल किए फिल्म देखने के बाद, इस्मत को पढ़ा और फिर सवाल किए, और कई बार क्या होता है कि आई रिमेम्बर आई वॉच्ड दावंची कोड, मैंने किताब पढ़ी थी, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फिल्म ने मुझे कहीं और पहुंचाया था ख्यालों की दुनिया में, क्योंकि दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट बुक, और जब उस फिल्म को बनाया गया इट वॉज वेरी नाइस, गुड, बट एट द सेम टाइम मुझे वो फील नहीं मिला जो मुझे किताब ने जो हाई दिया था, जो हाई दिया वो हाई मुझे फिल्म ने नहीं दिया। थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू यू, इतना अच्छा रोल है उसका, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी। सो लेट्स मूव ऑन, टेल मी अबाउट समथिंग योर लक्ष्मी बॉम्ब एंड व्हाट इज ये, इट्स द रोल इज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अबाउट बहुत कम कुछ लोगों को शायद पता भी हो, ये साउथ की एक फिल्म थी, ये इट्स इंस्पायर्ड, इट्स एक्चुअली द रीमेक ऑफ दैट फिल्म व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय राघव लॉरेंस, तो राघव लॉरेंस की ही फिल्म थी साउथ में, जो अभी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो उसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। अच्छा। और डायरेक्ट भी की थी उस फिल्म को, कांचना। और बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म को देखा है और बहुत सारे लोग उस फिल्म से लोगों को मालूम है ये फिल्म उसकी रीमेक है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता।
और इसमें बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है एक, इट्स अ प्लॉट अबाउट जो लीडिंग कैरेक्टर है उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है जो एक ट्रांसजेंडर होता है। तो ये ऐसी कहानी है कि तो फिल्म अभी आ ही रही है तो सभी देख ही लेंगे, अभी देख ही और लेंगे। उसमें एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा किरदार है। बहुत टाइम के बाद मैंने एक इमोशनल सा सिंपल सा एक किरदार निभाया है विच इज पॉजिटिव, तो आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। वंडरफुल वंडरफुल। अब आप ये बताइए कि आधी से ज्यादा इंडस्ट्री कोविड में लॉकडाउन में या तो खाना बना रही है या तो एक्सरसाइज कर रही है, आपने क्या किया? शुरुआत के दिनों में तो लगा कि थोड़ी देर के लिए है तो फिल्में देखी, यूट्यूब अपना वेब सीरीज फिनिश करी, कुछ अपना पेंडिंग काम था अपना, कुछ चीजें कंपाइल करनी थी, ये फुटेज इधर रखनी है, ये फुटेज इधर रखनी है, वो चीजें की। जब लगा कि लंबा होने वाला है तो दिमाग चलाना शुरू कर दिया, कहानियां लिखनी शुरू कर दी, कहानियां पढ़नी शुरू कर दी, कंसेप्ट बनाना शुरू कर दिए, और एक रोजों से पहले एक गाना लिखा कश्मीरी में, वो या दोस्त ने खुदा। कंपोज किया था, या खुदा, तो वो दोस्त ने कंपोज किया था, दोस्त था हमारा रजाज रा साहब। उसके बाद फिर दिमाग में आया जितने भी वहाँ के हमारे दिग्गज सेलिब्रिटीज हैं, लेजेंड्स हैं वहाँ के वेटरन्स, उन सबको फोन कर करके रिक्वेस्ट करके उनसे घर पे शूट करवाया मोबाइल से, वो फुटेज लाई, खुद पूरा एडिट किया। वो मुझे 2-3 बार री एडिट करना पड़ा क्योंकि कई बार क्या हुआ वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था कश्मीर में, बहुतों ने फुटेज भेजी और बहुतों ने बाद में फुटेज भेजी। फिर मुझे एक्चुअली बैलेंस सबसे डिफिकल्ट टास्क मेरे लिए था कि देवर ऑल सीनियर्स, वो उनको बुरा ना लगे तो उनकी प्रेजेंस भी बैलेंस होनी चाहिए और उस सीक्वेंस में होनी चाहिए कि उनको दिल ना दुखे, और इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क और उसमें बहुत टाइम गया मेरा उस चीज। द वर्स्ट थिंग यू डिड इन दिस पेंडेमिक। वर्स्ट थिंग यू डिड लाइक यू नो, कई बार आई स्लेप्ट थ्रू आउट द डे, मैं रातों को जागा दिन में सोया, दैट इज द वर्स्ट थिंग। ये तो सब कर रहे हैं, तो वही मुझे लगता है कि वही कर रहा हूँ, तो दूसरा काम तो वही होता है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, यू एंजॉयड अ लॉट। वो तो रोज ही हो रहा है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग तो ये कि लाइक आई केम अप विद सम गुड कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर वर्किंग ऑन। और तो चलते चलते और एक आध चीज हम चाहेंगे, काफी देर हो गई आपको, हम मेरा आपको आपका टाइम लेते हुए, द लास्ट गिफ्ट यू रिसीव्ड। The last gift which I have received. Received, and what was that? I think it was. अभी तो 300-400 दिन से कुछ नया कुछ किया नहीं है। जनवरी में नए साल का या क्रिसमस में दिसंबर में? हाँ वही तीन, ये चीजें तो दिमाग से निकल गई कि क्या गिफ्ट दिया और क्या गिफ्ट लिया। क्या लिया? सच्ची में लाइफ बहुत ही ज्यादा वो हो गई। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, और मैं इसको लेके भेजती हूँ। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जरूर। आप भी, ये कहाँ से बंद होगा।